नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित लंगोटे। मैं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में किडनी ब्लड प्रेशर और ट्रांसप्लांट फिजिशियन करके काम करता हूं। आज हम बात करेंगे मोटापा और किडनी बीमारी के बारे में। मोटापा देश भर में बहुत तेजी से फैल रहा है और कुछ जानकारी के अनुसार भारत में अगले 20 साल में मोटापा का प्रमाण 3 गुना बढ़ने वाला है। भारत में लगभग 135 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त है और जो जानकारी है उसमें पता चलता है कि जो ईस्ट साइड के लोग हैं उनमें मोटापा का प्रमाण बहुत कम है और साउथ के जो लोग हैं उनमें इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। मोटापे के बहुत कारण हैं, अनेक कारण हैं, कुछ जेनेटिक कारण भी है, कुछ बीमारियां भी है जैसे थायराइड की बीमारियां या कुछ हॉर्मोन्स की बीमारियां, ये आम कारण है। लेकिन लाइफस्टाइल के कारण मोटापा अपने देश में बहुत अधिक और तेजी से बढ़ रहा है। बहुत घंटों तक बैठ के काम करना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ना के बराबर होना जिंदगी में, साथ में फास्ट फूड का खाना, कसरत बिल्कुल नहीं करना, स्ट्रेस और अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, इन चीजों से मोटापा बढ़ सकता है। किडनी बीमारी का एक कारण अभी जो उभर के आ रहा है वो है मोटापा। मोटापे के कारण किडनी पे प्रेशर बढ़ के किडनी को अधिक मात्रा में काम करना पड़ता है और उसको हम कहते हैं हाइपर फिल्ट्रेशन स्टेज। इस हाइपर फिल्ट्रेशन में किडनी 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना ज्यादा फास्ट रेट से काम करना चालू करती है और जब इतने फास्ट काम करती है तो काफी दिनों के बाद वो थकना चालू होके फिर आपका किडनी बीमारी चालू होता है, फिर आपके क्रिएटिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इसको लगातार इस गति से तेजी से काम करना किडनी लंबे समय तक नहीं कर पाती और फिर बाद में किडनी फंक्शन कम हो जाता है। मोटापे के किडनी बीमारी के साथ में और भी अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होते हैं और ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से भी किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो एक तो डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करना और कुछ अन्य बीमारियां पैदा करके उससे किडनी को अफेक्ट करना, इन दोनों ही तरीके से किडनी बीमारी हो सकती है। मोटापा मेजरमेंट करने के लिए हम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं और 25 से लेके 29.9 लेवल तक आप ओवरवेट माने जाते हैं और 30 से ऊपर ओबीस यानी मोटापा माना जाता है। अगर आपको मोटापे की बीमारियों से बचना है तो आपको अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, साथ ही में फास्ट फूड का प्रयोग कम करना चाहिए, स्ट्रेस अगर कम कर सके तो उसको लाइफ में कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज तो उनको अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है। एक तंदुरुस्त लाइफ जीने के लिए आपको सिंपल, हेल्दी और स्वस्थ जीवन करना अनिवार्य है। नमस्ते।